किसान भाइयों, धान रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खेत में चौड़ी पत्ती वाले व सकरी पत्ती वाले खरपतवार उग आए हैं, तो हमें इस समय कौन से हर्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए जिससे ये खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाएं। लेकिन उससे पहले, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हर फसल के बारे में एक सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें लेना है 100 से 120 ml बिस्पेरीबेस सोडियम, यानी कि PI की नोमनी गोल्ड, और इसके साथ लेना है हमें 8 ग्राम प्रति एकड़ ऑल मिक्स वाला साल्ट, मतलब कि मेट सल्फ्रॉन मिथाइल प्लस क्लोरीमीरोन इथाइल। इन दोनों को मिक्स करके इसका स्प्रे करवा देने से जितने भी चौड़ी पत्ती वाले व सकरी पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो पूरी तरह से सफाया हो जाएंगे। मगर इन सब की स्प्रे करने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भाई नोमनी गोल्ड का स्प्रे करने से पहले खेत में पानी नहीं होना चाहिए। अगर खेत में पानी होगा तो खरपतवार पानी में डूबे होंगे, जिससे भाई स्प्रे खरपतवारों पर नहीं जा पाएगी। यानी कि नोमनी गोल्ड का स्प्रे सीधे खरपतवारों पर जाना चाहिए, तभी जाकर नोमनी गोल्ड का पूरा रिजल्ट मिल पाएगा। और इसके अलावा हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि नोमनी गोल्ड का स्प्रे करने से 2 से 3 दिन बाद खेत में पानी भर देना है, जिससे ये दवा पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी और पानी से खरपतवारों की जड़ों को गला देगी। और इसके अलावा नोमनी गोल्ड का स्प्रे अगर आप 35 से 40 दिन की फसल पर करते हैं, तो भाई इसका रिजल्ट थोड़ा आपको कम मिलेगा, क्योंकि 35 से 40 दिन की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, पूरे खेत को ढक लेती है, और जब इसका स्प्रे हम करते हैं तो दवाई खरपतवारों पर नहीं जा पाती है, फसल की पत्तियों पर ही रह जाती है। इसीलिए हमें नोमनी गोल्ड का स्प्रे 20 से 25-30 दिन की फसल पर ही करना चाहिए। तो भाई हमें किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे करते समय इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।